गुजरात चुनाव में 2002 के दंगों का मुद्दा एक बार फिर उठ गया। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली के दौरान कहा, बीजेपी की सरकार में दंगा करने वालों को सबक सिखाया गया। गृह मंत्री के इस बयान पर ओवैसी ने पलटवार कर दिया। ओवैसी ने पूछा है कि बिल्किस बानो के मुजरिमों को छोड़कर कौन सा सबक सिखाया गया। गुजरात चुनावों में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नए मुद्दे घमासान की लिस्ट में शामिल होते जा रहे हैं। औकात दिखाने से लेकर श्रद्धा आफ्ताब तक का मुद्दा अब तक रैलियों में गूंज चुका है। शुक्रवार को 2002 के गुजरात दंगे को लेकर भी चुनावी राजनीति हुई। दरअसल शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने रैली के दौरान अतीत में कांग्रेस के शासनकाल पर सवाल उठा रहे थे। इस दौरान उन्होंने 2002 के दंगों का जिक्र किया। कांग्रेस से आदत पाड़ी थी इतले रमखाण थया था, पण 2002 मा एवो पाठ सिखवाड्यो के खोड़ भूल। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2022 सुधी नाम ना ले सर, गुजरात नी अंदर कोमी हुल्लड़ो करवा वाला ने कड़क हाथे पगला भरी। गुजरात नी भारतीय जनता पार्टी नी सरकारे गुजरात मा अखंड शांति नी स्थापना करी छे। मित्रों, गृह मंत्री के इस बयान को लेकर सियासी मैदान में हलचल मचना तय था। पलटवार करने वालों में सबसे आगे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी थे। ओवैसी ने देर शाम एक रैली के दौरान गृह मंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए बिल्किस बानो और एहसान जाफरी के साथ हुई वारदात का जिक्र कर दिया कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि एहसान जाफरी का कत्ल किया जाएगा वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने सिखाया गुलबर्ग बेकरी का सबक आपने सिखाया, बेस बेकरी का केस आपने सिखाया। कौन सा सबक आप हम आपका याद रखेंगे अमित शाह साहब? अरे आपने कौन सा सबक सिखाया? पूरे मुल्क में बदनामी हो गई अमित शाह साहब। आपने कौन सा सबक सिखाया कि दिल्ली में फसाद हो गया, दिल्ली में जुल्म हुआ? कौन सा सबक आपने सिखाया? वैसी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को सत्ता का गुरूर है, लेकिन सत्ता किसी की भी हमेशा नहीं रहती। मगर लोग भूल जाते हैं, इख्तदार में आकर लोग भूल जाते हैं, इख्तदार किसी के पास नहीं रहा, इख्तदार किसी के पास नहीं रहेगा। एक दिन इख्तदार सबसे छीना जाएगा। इख्तदार के नशे में डूब कर आज भारत के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सबक सिखाया हमने। गुजरात चुनाव में श्रद्धा मर्डर केस और लव जिहाद जैसे मुद्दे पहले से ही उठ रहे थे। अब गुजरात दंगों पर जुबानी पलटवार से सियासी पारा और चढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।